मैं हूं पूनम जैन, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम इस कार्यक्रम में फिर चर्चा करेंगे भोपाल के प्यारे मियां यौन शोषण मामले की शिकार 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की हमीदिया अस्पताल में गुरुवार को हुई मौत और इसके बाद उठ रहे उन तमाम सवालों पर जिनमें इसे हाथरस कांड 2 कहा जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पीड़िता के परिजन से लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ और राहुल गांधी तक कह रहे हैं और कहें भी क्यों ना, दुष्कर्म पीड़ित बच्चे की जिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और उसके बाद जैसे तैसे आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार किया गया, इस केस की जांच प्रक्रिया जिस तरह संदेह के दायरे में है, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी भी है। हम इस कार्यक्रम में इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे मियां की पाप कथा आपको सुनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी 4 लाइनों में बता देते हैं। रसूखदार पत्रकार प्यारे मियां कम उम्र की लड़कियों को जाल में फंसाकर उनके साथ न केवल खुद हवस की भूख मिटाता था बल्कि दूसरे हवस के भेड़ियों के सामने भी उन्हें परोसता था। इसका खुलासा होने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेजा और उसकी चंगुल में फंसी 5 लड़कियों को मुक्त कराकर सरकारी बालिका गृह में रखा था। इन्हीं में से एक ने बालिका गृह में तबियत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थी जिससे बचने के लिए उसने नींद की गोलियां खा ली और इसकी जान चली गई। ये तो कहना है पुलिस और बालिका गृह के अधिकारियों का, लेकिन नाबालिग लड़की के परिजन सरेआम जहर देकर उसकी हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि पुलिस पापी प्यारे मियां से मिली है जिसने उसकी हत्या करा दी। टीआईजी का पूरा हाथ है, टीआईजी और जहां बच्ची है उनका हाथ है। आज छूटने वाली थी वो लोग, वो भी आजकल ये कांड कैसा हो गया बात बात। चौबे, राजीव जैन और सबका उनके खिलाफ ये सवाल उठाओ। तो पुलिस पर आरोपों का दौर थमा भी नहीं है। पुलिस ने जिस तरह आनंद फानन में नाबालिग लड़की का अंतिम संस्कार किया, इसके बाद इस मामले को हाथरस कांड 2 कहा जाने लगा है। पुलिस पीड़िता के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच शव को लेकर सीधे शमशान घाट पहुंची, जहां परिजनों के सामने उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं माँ घर पर बेटी के शव का इंतजार करती रही थी। विश्राम घाट पर पहले से पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। रिश्तेदार चीखते रहे कि इतनी जल्दी क्यों है, महिला रिश्तेदारों ने तो 2 बार अर्थी तैयार नहीं होने दी, पर क्राइम ब्रांच टीम ने खुद इसे तैयार किया। पुलिस की इस हरकत से बालिका गृह प्रबंधन के बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कारण रहा कि हाथरस की तरह मध्य प्रदेश की इस बेटी का शव आखिरी बार उसके घर नहीं जाने दिया गया। पुलिस को जल्दबाजी में अंतिम संस्कार का आदेश किसने दिया? इन्हीं सवालों के बीच कांग्रेस ने इस घटना की तुलना उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड से की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हाथरस जैसी अमानवीयता कितनी बार दोहराई जाएगी, भाजपा सरकार महिला सुरक्षा में तो फेल ही है, पीड़िताओं और उनके परिवार से मानवीय व्यवहार करने में असमर्थ भी है। वहीं पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि ये बेहद निंदनीय, बेहद शर्मनाक है, शिवराज सरकार में भांजियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश की राजधानी में यौन शोषण के शिकार मासूम बच्चियां बालिका गृह में भी सुरक्षित नहीं है। कितनी अमानवीयता, मृत पीड़िता को उसके घर तक नहीं जाने दिया, उससे अपराधियों जैसा व्यवहार, उसके परिवार को अंतिम रीति रिवाजों से भी वंचित किया गया, कैसी निष्ठुर व्यवस्था है, कहां है जिम्मेदार, प्रदेश को कितना शर्मसार करेंगे। मामला बेहद गंभीर है, मामले की सीबीआई जांच हो, बाकी बालिकाओं को भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था हो, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चलिए, तो ये तो पूरा मामला हमने आपको सुना दिया, अब इसी पर आगे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी। ब्रजेश जी, जिस तरीके से जो है कल से ही सवाल खड़े हो रहे हैं, नाबालिग की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, नींद की गोलियां खा ली, सबसे पहले सवाल यहीं से शुरू हो जाते, कैसे पहुंची, कहाँ से पहुंची, बालिका संरक्षण गृह है, संरक्षण की जिम्मेदारी थी, लेकिन वहां मौत हो जाती है, इससे और भी भय का माहौल बनता है। और अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस ने आनंद आनंद में जो है अंतिम संस्कार किया, हाथरस कांड 2 कहा जाने लगा है। देखिए पूनम, उस परिवार के साथ जो जहाँ की बच्ची थी, नाबालिग बच्ची थी, उसके परिवार के साथ दोहरी मार हुई, मतलब दोहरा आपने उनको
दुख दे दिया है। एक दुख तो ये था कि उनकी बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सवाल बहुत उठे कि गोलियां कैसे पहुंची, यदि कोई नाबालिग बच्ची है और यदि वो डिप्रेशन में है तो बाकायदा उसको समय समय पर दवाई दी जाना चाहिए थी। उसके पास चार दवाई के पत्ते कैसे पहुँचे, इतनी मात्रा में कैसे पहुँची कि वो खा के उसकी मौत हो गई। यहाँ तक आ रहा है कि जहर से मौत हुई है, तो ये एक तो एक साजिशन दिख रही है कि कहीं साजिश तो नहीं हुई उसके साथ, क्योंकि वो एक यौन शोषण के मामले में पीड़िता थी, फरियादी थी, जिससे आगे मामले में जांच में उसका सहयोग मिलता पुलिस को और जो आरोपी थे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती और आगे भी जो आदि आरोपी बच निकले हैं या रह गए हैं अभी जाँच के दायरे में आने से, गिरफ्त से में आने से, वो भी पकड़े जाते। तो एक सवाल तो सबसे बड़ा यही था उसके साथ, उस परिवार के साथ क्या बीती कि उनकी लड़की जो वो मांग रहे थे कि दो बार उन्होंने आवेदन दिया कि उन्हें हमें संरक्षण में दे दिया जाए, हम उसको घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसको दी नहीं। इसके बाद वो लड़की की मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में, परिवार वालों को देर से सूचना दी जाती है। यहाँ तक बताया जाता है कि जो सूत्र बताते हैं कि उसकी मौत बहुत पहले हो गई थी लेकिन वेंटिलेटर पर अनावश्यक रूप से रखा गया है, कहीं मामला तूल ना पकड़े, विवाद ना हो, कहीं किसी तरह का कोई घटना हो, इस कारण उसको दबाने के लिए कोशिश की गई। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो हम हाथरस में देख रहे थे, पूरे देश ने देखा किस तरह से अमानवीयता हुई उस परिवार के साथ। एक बच्ची की मौत हो गई, उसको उससे पहले उसके माँ बाप, उसकी माँ उससे मिलने के लिए तरसते रहे, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। मौत के बाद आपको सब उनके परिजनों को सौंप देना चाहिए था ताकि वो धार्मिक रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर सकते थे। पुलिस को यदि ज़्यादा ही कोई डर था तो पुलिस उनके घर में सुरक्षा लगा देती, वहाँ सुरक्षा लगा देती, लेकिन जब हाथरस जैसी घटना पूरे देश दुनिया में तहलका मचाने वाली, क्या उन पुलिस अधिकारियों ने नहीं देखी होगी, क्या मध्य प्रदेश के भोपाल के प्रशासकों ने नहीं देखी होगी, कलेक्टर को नहीं पता कि हाथरस में क्या हुआ था, DIG को नहीं पता कि हाथरस में क्या हुआ था, कितनी पुलिस की बदनामी हुई थी। इसके बाद वो घटना मध्य प्रदेश और भोपाल में दोहराई जाती, वहाँ जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भांजियों के मामा हैं, महिलाओं के भाई हैं और वो ज़्यादा संवेदनशील हैं महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, उनके राज्य में, उनकी नाक के नीचे, राजधानी में घटना घट जाती है कि पुलिस किस तरह से उस लड़की के सब को अस्पताल से सीधे पोस्टमार्टम कराने के बाद विश्राम घाट ले जाती है, वहाँ अर्थी तक उसके घर वाले पुलिस सजाती है और जो उसके रिश्तेदार पहुँचते हैं वो उनको नई अर्थी नहीं बनाने देते। दो बार ऐसे विवाद होते हैं, इसके बाद भी पुलिस जबरदस्ती करती है और उनका अंतिम संस्कार करा देती है, माँ को सीधे घर से विश्राम घाट ले जाया जाता है, जबकि जिस धर्म से वो ताल्लुक रखते हैं वहाँ पे महिलाओं का विश्राम घाट में या शमशान घाट में जाना वर्जित है। तो पुलिस ने किस तरह से सीमाएँ तोड़ी हैं, अपनी सीमाएँ लांघी हैं, जो एक बहुत ही अमानवीयता है। और इसमें मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो जांच बिठाई, जांच से पहले जो जिम्मेदार अधिकारी थे जिन्होंने ये किया है उन पर कार्रवाई करते तो ज़्यादा उचित रहता। SIT तो पहले से इस मामले की जांच कर रही थी, SIT पहले ही गठित हो गई थी जब प्यारे मियाँ गिरफ्तार हुए थे, उसमें बाकायदा जाँच हो रही थी, मौत की जाँच मजिस्ट्रेट कर ही रहे थे। ये घटना हुई इसके लिए SIT की जांच की है आपने, SIT जांच बिठाई है, लेकिन दोषी तो कोई ना कोई है। एक बार उसकी आप नाम सार्वजनिक कर देते हो पीड़िता का, जबकि बलात्कार के मामले में प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि उनकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकायदा सरकार उसका प्रेस नोट जारी कर देते हैं जिले कलेक्टर। तो ये गंभीर लापरवाहियाँ क्यों हो रही, एक तरह से मुझे लगता है कि ये अति सतर्कता का कारण है कि पुलिस चाहती है कि कोई गदर ना हो, अति सतर्कता में ही वो एक कदम उठा गई है। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरीके से प्यारे मियाँ एक रसूख वाला नाम, एक बड़ा नाम और कई रसूखदारों के नाम भी जो है कहे जा रहे थे कि इसमें शामिल हो सकते हैं, शुरू से ही जो है लापरवाही दिखती है कि सही दिशा में जांच नहीं हुई है, क्योंकि अगर ऐसा था, प्यारे मियाँ नाम एक बहुत बड़ा नाम इस कांड से जुड़ा हुआ, तो जिन बच्चियों पर निगरानी थी, पैनी निगरानी में उन बच्चियों को पैनी सुरक्षा के बीच रखा जाना चाहिए था, वहाँ नहीं रखे गए, और रसूखदारों के नाम जो कहे जा रहे थे कि इसमें आ सकते हैं सामने, वो भी अभी तक नहीं आए, सिर्फ प्यारे मियाँ की गिरफ्तार, कई सारे सवाल और पुलिस की लापरवाही, पूरी प्रशासनिक जो व्यवस्था है बिल्कुल निष्ठुर व्यवस्था है ये। बिल्कुल पूनम, जैसा आपने कहा है कि जब ये गंभीर मामला था, बड़े बड़े लोग जुड़े थे उसमें, रसूखदार जुड़े थे, पावरफुल लोग जुड़े थे, प्यारे मियाँ शख्स कोई ऐसा आम आदमी, आम अपराधी नहीं था जो आप इस मामले से जुड़ा हुआ था, कई रसूख था उसका, ऊपर तक पहुंचती, उसको गिरफ्तार करने के लिए आपको कश्मीर तक जाना पड़ा था। तो आप देखिए, जब अधिकारी कह रहे हैं कि इस मामले में ऊपर से स्पष्ट निर्देश हैं, तमाम अधिकारियों का कहना था कि किसी भी तरह से अपराधी नहीं बचना चाहिए, कोई इसमें हीला हवाली नहीं होना चाहिए जांच में, और SIT बनाई गई थी, IPS अधिकारी जिसकी जांच कर रहे थे, उस मामले में यदि आप इतनी लापरवाही बरतते हैं तो बहुत गंभीर मामला है।
उन बच्चियों को जब गंभीर मामला था, रसूखदार जोड़े थे, सरकार से स्पष्ट निर्देश थे कि किसी तरह की लापरवाही ना बरतें, उसमें आपने बच्चियों को वहां छोड़ दिया और उनकी निगरानी तक नहीं की। उनके परिवार की निगरानी का तो सवाल ही उठता है कि कौन उन पर प्रेशर बना रहा होगा, कौन दबाव पर। तो जिस तरह उसकी माँ आरोप लगा रही है, तो उनको मुझे लगता है पहले से आशंका होगी, उन पर प्रेशर होगा। वो चाहते थे कि उनकी जान को खतरा है, पहले भी ऐसी घटना सामने आई है जो उस समय प्रशासन ने छिपा ली होगी। पहले बताया गया है कि एक लड़की ने जो पीड़िता में से एक के ऊपर गरम पानी फेंक दिया था वहां पे, तो ये कोई साजिश का इशारा तो करती है कहीं ना। एक पीड़िता जो बालिका संरक्षण गृह में अभी भी, उनकी माँ हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी जान लेते किस तरीके की स्थिति वहां पर है। बच्ची जिस तरीके से एक बच्चे की मौत हुई है, काफी भयभीत वो भी होंगी। तो जिस तरीके से आपकी बच्ची वहां पर है, आपकी बात हुई, किस तरीके का क्या व्यवहार है वहां पर, क्या सुरक्षा के पूरे इंतजाम है या नहीं है? अभी तो मैम अच्छे से अभी तो देखभाली कर रही है वो। इससे पहले कोई देखभाली नहीं थी, इसकी लापरवाही हुई है बच्चियों के साथ में। अभी मेरी बच्ची 1250 हॉस्पिटल में एडमिट है। ब्रजेश जी, आपका कोई सवाल? क्या इस घटना के बाद आपको डर तो नहीं है ऐसा कि आपकी बच्ची के साथ भी कोई हादसा हो जाएगा? और जो भर्ती है, तो क्या वजह थी, क्या उसने कुछ बताया आपसे, उसकी बात हुई कि किस कारण उसकी ये हालत हो गई? वहाँ तो मुझे ये बताया जा रहा है, मेरी बच्ची से मेरी बात हुई तो वो बोल रही थी कि ले सांस उखड़ने लगी थी मेरी, इसलिए मुझे एडमिट रात को 1 बजे एडमिट कराया उसको, और मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। आपको पहले कभी मिलने दिया उनसे? पहले जाते थे हम तो ऐसे जेल कैदियों से मुलाकात होती है, खिड़की पे खड़े होके जाली के पास में ऐसे बात करी जाती थी, करवाते थे वहाँ पर। कभी आपको उन बालिकाओं ने बताया कि क्या तकलीफ होती है उनको, कैसे रखा जाता है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? वहाँ पर ये बच्चियों के आपस में लड़ाई झगड़े होते थे, वहाँ पर गंदा गंदा बोला जाता था, वहाँ पर जो मैडमें थी, जो अम्माएं लगी थी वहाँ पर, गंदा गंदा मतलब बदतमीजी से बात करते थे, खाना पीना ढंग से नहीं है। अभी कुछ दिन पहले होगा, 8-15 दिन की बात है, ये केस होने से दो दिन तीन दिन पहले की बात है कि ना, वहाँ पर एक बच्चे ने उसके ऊपर सना के ऊपर गर्म पानी डाल दिया गया था, तो इसलिए क्या नाम है लड़ाई झगड़ा था, वहाँ पर मारपीट हुई थी लड़की के साथ में। मेरी बच्चे के चेहरे पे भी क्या नाम है तमाम और नाखूनों के निशान और आप चेहरे पे निशान है। तो इसकी आपने कहीं शिकायत की कि वहाँ पे बच्चियों को ऐसा रखा जाता, किसी पुलिस अधिकारी से, किसी सक्षम अधिकारी से शिकायत की? नहीं, वहीं पर जाके बाल गिरे हुए, मैडमों से बोलते थे कि आप लोगों को सुपुर्द रखा गया है तो आप लोग क्यों सही से देखभाल नहीं करते, तो बोलो थे नहीं वो तो बच्ची अपनी तरफ से लगा कर बोलती है, हम तो सब यहाँ पर बच्चे अच्छे से देखभाल करते हैं, ऐसा वैसा मतलब ये बातें करती थी वो लोग। तो इस तरह की स्थिति बनने के बाद क्या आपने अपनी बच्ची को घर लाने की कोशिश नहीं की, कहीं बात नहीं की कि अगर इस तरीके की अव्यवस्थाएं तो बच्ची को घर ले जा सकते हैं? मैम बहुत है ना, मतलब बहुत बार कोर्ट से आवेदन लगाए हैं बच्चियों को लाने के लिए, हद से ज्यादा आवेदन लगा चुके हैं, पर उसके बाद भी मतलब कोई ना प्रोसेस नहीं है, मतलब कोई बस तारीख पे तारीख, 8 दिन में ऑर्डर हो जाएंगे, 10 दिन में ऑर्डर हो जाएंगे, ये रहता है बस वहाँ पर। क्या आपके ऊपर प्यारे मियाँ या उनके किसी जो है परिचित के द्वारा प्रेशर तो नहीं बनाया गया इस तरीके की कोई स्थिति बनी इससे पहले किसी के द्वारा भी? नहीं मैम, इनके इधर इस तरफ से हमारे पास कोई मतलब है ना, ना तनाव है ना किसी चीज की, मतलब वो बनाई गई है यहाँ पर। चलिए आप हमारे साथ बनी रहिए। ब्रजेश जी अब हमारे साथ है, SP रजत सकलेचा जी हमारे साथ जुड़ गए। रजत जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। रजत जी, अब पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों आनन फानन में जो है बच्ची का, नाबालिग लड़की का अंतिम संस्कार किया गया, क्यों इस तरीके से जो है पुलिस व्यवस्था पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्यों ऐसा पुलिस का रवैया, जिम्मेदार हैं आप लोग और इस तरीके की क्यों गैर जिम्मेदाराना फिर बिहेव किया जाता है आप लोगों की तरफ से? इसे जो भी आप तथ्य लगा रहे हैं, परिवार वालों की सहमति के अनुसार उनके पिताजी, उनके चाचा, माता और जो भी परिवार है उनके समक्ष उनके साथ जाके, और चूंकि रास्ते में जो भी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की आमतौर पर रहती है उसको साथ रखते हुए उनका बतौदा में अंतिम संस्कार कराया गया, और मर्ग जो अपराध कायम किया गया, मर्ग कायम किया गया थाना कमला नगर में, उसमें जांच में SIT की टीम गठित की गई है PSQ के माध्यम से। तो इसमें ऐसा कोई भी तत्व नहीं आया है जिसमें पुलिस ने कोई भी लापरवाही बरती। ब्रजेश जी क्या सवाल है आपका? सकलेजा जी, जब पूरे देश दुनिया में एक हाथरस कांड हुआ था, पुलिस की बदनामी हुई थी कि किस तरह उन्होंने अंतिम संस्कार करा दिया, वो घटना भी आपको जानकारी में हुई, तो इसमें ऐसा फार्मूला क्यों नहीं अपनाया गया कि उनके घर वालों को बच्ची सौंप देते, पुलिस सुरक्षा में उनका अंतिम संस्कार हो जाता, सीधे शमशान घाट ले जाने की क्या जरूरत थी? वो कहीं अति सतर्कता में तो नहीं आपने ऐसा कदम उठाया कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़ जाए, इस कारण ये कर बैठे आप लोग?
इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है, जैसे कि आप तथ्य सुनेंगे, आप सीधे डिसीजन दे रहे हैं, इसमें परिवार वालों की सहमति ली गई है, ऐसा कोई भी कहीं पे भी ऐसा फोर्सफुली उनको ले जाया जाता जा रहा है या ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है, इसमें परिवार वालों से सहमति ली गई, उनको साथ ले जाया गया और उनका अंतिम संस्कार करवाया गया और उनकी जो मदद की जा सकती थी वो की गई है। और रही बात जांच की, तो उसके लिए एक एसआईटी की टीम गठित की गई है जिसके निर्देशन में मर्ग की जांच की जाएगी, तो पुलिस की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं होता ही नहीं बरती गई। फिर पुलिस वो महिला फिर पीड़िता की माँ क्यों आरोप लगा रही कि मैं घर पे इंतजार करती रही, मुझे जबरन बिठाया गाड़ी में और वहां ले गए, ये कहीं साजिश तो नहीं है? जो लोग वहां पर उपस्थित थे वो जानते हैं कि ऐसी कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई है, बड़ी क्लियरली है और ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि जिसमें पुलिस ने जबरदस्ती। फिर भी सवाल तो कई खड़े होंगे ही, क्योंकि सच्चाई अभी सामने नहीं आई है, जिस तरीके से पीड़िता का मां का कहना और फिर आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार करना, पहले से पीड़िता की मां के आरोप भी थे कि बच्ची को ठीक ढंग से नहीं रखा जा रहा है, प्रताड़ित है, बच्चियां भी घर जाने के लिए पहले बोल रही थी, तमाम सवाल है। बिल्कुल, तो जो ये आपके सवाल हैं, सीडब्ल्यूसी के निर्देश पर इसमें उन बच्चियों को सुरक्षार्थ, उनकी खुद की सुरक्षार्थ और बालिका गृह में रखा गया था, इसके लिए एक मजिस्ट्रियल जांच चल रही है और पुलिस की भी एक एसआईटी टीम है जो मर्ग की जांच कर रही है, तो जो भी आरोप लग रहे हैं उनका तथ्यों के आधार पर निराकरण किया जाएगा। वहां शायद बालिका संरक्षण गृह में जो है सीसीटीवी कैमरे नहीं है, पड़ोस के कैमरों की मदद लेनी पड़ रही है, ये सब क्योंकि जांच का विषय है और सीडब्ल्यूसी और जो बालिका गृह पुलिस के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो हमारी जांच में हमें जो भी पाया जाएगा हम उसको जहां पर आवश्यक है वहां पर रखेंगे और मजिस्ट्रियल जांच में भी जो भी बिंदु आएंगे उसके अनुसार अंतिम जानकारी सभी के साथ शेयर की जाएगी। लेकिन रजत जी, जिस तरीके से बालिका संरक्षण गृह यानी कि एक तरीके से बच्चों की सुरक्षा ठीक ढंग से की जाने का मतलब पैनी निगरानी की जरूरत थी, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला था, बड़े बड़े लोगों के नाम जो है कहे जा रहे हैं कि इसमें शामिल है, फिर इस तरीके की लापरवाही क्यों? पुलिस की तरफ से जो भी सुरक्षा देनी थी हमने गार्ड भी लगाए थे और हमारे यहाँ से जो भी फास्ट करवा के चालान करवाना था हमारी तरफ से बिल्कुल वो कार्य किया गया है और मुझे लगता है कि जो भी अगर कोई गलतियां किसी भी विभाग से या किसी भी संबंध में आई है तो उन दोनों स्तरों पे जांच चल रही है और जो भी बिंदु उठाए गए हैं सभी के द्वारा, परिवार के द्वारा या फिर समाज के द्वारा, तो उन बिंदुओं पे निश्चित रूप से जांच की जाएगी और ऐसी कोई भी तथ्य नहीं छुपेगा, जो अगर गलत भी होगा तो दोषियों की जांच की जाएगी और उनके खिलाफ सजा के प्रावधान दर्ज। ब्रजेश जी, क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई है, नींद की गोलियां कैसे पहुंची, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए लेकिन फिर नींद की गोलियां कैसे पहुंच जाती हैं? पूनम जी, ये क्या है कि एक बालिका संरक्षण गृह का मामला है, वहां कैसे पहुंची? पुलिस का मामला एक अलग है, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी से एक तरह से उनको वहां सुरक्षा जो देना थी, जैसे कि रजत जी बता रहे हैं कि गार्ड लगा दिया था, और पुलिस ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, जैसे पीड़िता की मां से हमारी बात हुई, एक पीड़िता की मां से उन्होंने कहा कि नहीं उन पर ऐसा कोई दबाव नहीं था, प्रेशर नहीं था, तो पुलिस की भूमिका तो यहां तक खत्म हो जाती है। बालिका संरक्षण गृह में उन बालिकाओं के पास कैसे पहुंची दवाई, अधिक मात्रा में कैसे पहुंची, ये उस संरक्षण जो गृह है वहाँ की संचालिका उसके लिए जिम्मेदार है, वहाँ का स्टाफ जिम्मेदार है कि उनको एक सुबह शाम यदि दवाई देना थी तो वो देना चाहिए थी, रात में देना थी, पूरी की पूरी दवाई उनके पास पूरे पैकेट कैसे दे दिए कि इतनी बड़ी मात्रा में वो नींद की गोलियाँ खा सकें और ये हादसा हो सके, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि पुलिस कहीं से जिम्मेदार है। पुलिस की भूमिका में जो सवाल उठ रहे हैं वो यही उठ रहे हैं कि वो जिस तरह से एक धार्मिक रीति रिवाज से एक अंतिम संस्कार होना चाहिए था, जैसा कि पीड़िता की माँ आरोप लगा रही, वहाँ कहीं पुलिस चूक कर गई है, मुझे लगता है कि वो अति सतर्कता में कर गई, कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़ जाए, उसके सबको यदि उसके घर ले जाया जाएगा तो हो सकता है कि लोग इकट्ठे हो जाए, विरोध प्रदर्शन हो जाए, सब रख के चक्का जाम हो जाए, तो उस चक्कर में मुझे लगता है पुलिस ये कदम उठा चुकी है, जबकि मुझे नहीं लगता है कि जिस वर्ग से वो आती हैं वहाँ इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, कोई आता आंदोलन करने के लिए। जी ब्रजेश जी, चलिए अब हमारे साथ बीजेपी से चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। चेतन जी, जिस तरीके के सवाल आप उठ रहे हैं, पुलिस ने आनन फानन में जो है शव का अंतिम संस्कार कर दिया, आप विपक्ष भी कह रहा है राहुल गांधी से लेकर जो है कमलनाथ तक की हाथरस कांड 2 कह रहे हैं इसको, विपक्ष को सबसे पहले तो हाथरस कांड में के प्रकरण में जो सीबीआई की फाइनल स्टेटस रिपोर्ट है उसको पढ़ लेना चाहिए, चूंकि मामला अंडर ट्रायल है इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इनको पढ़ लेना चाहिए तो इनको सारा माजरा समझ में आ जाएगा कि हाथरस कांड है क्या। कई बात भोपाल शहर में इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं थी जिस प्रकार की परिस्थितियां हाथरस में थी, प्रशासन ने किन परिस्थितियों के चलते क्यों ये सब कवायद की, इस तरह के
कदम क्यों उठाने पड़े, निश्चित रूप से प्रशासन का प्रशासनिक विषय है, लेकिन जहां तक हमारी सरकार का मामला है, हमारी सरकार ने ही इन रसूखदारों को जेल के पीछे भेजने का काम किया, उन रसूखदारों को जिनकी महफिल इनके मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ में सजा करती थी। ये दूध के धुले जो लोग बन रहे हैं ना आज, इनसे पूछिए ये प्यारे मियां कब से कब तक तुम्हारे संरक्षण में कितने लोगों के साथ इस तरह के दुष्कर्म और इस तरह के सारे मामले में लेते हो, प्रॉपर्टियों के मामले में भी। जेपी धनुपिया जी जुड़ गए कांग्रेस से, पूछ लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। धनुपिया जी आपने बात सुनी चेतन जी की? धनुपिया जी जी चेतन जी की बात सुनी? चेतन जी की बात मैं पूरी सुन नहीं पाया जी। चेतन जी आपके तमाम जो सवाल है प्यारे मियां, कब से ये बहुत लंबा एक अभी का तो मामला नहीं है, कब से कांग्रेस संरक्षण दे रही है ये आरोप है बीजेपी की तरफ से कहा गया है। तो संरक्षण देने वाली बात आज हो रही है और भाजपा की सरकार कब से है? 15 साल से भाजपा की सरकार रही है, एक साल के भी पीछे कांग्रेस सरकार आई है और कांग्रेस ने उनको संरक्षण दे दिया। सारे के सारे बड़े बड़े सारे काम, सारे बड़े बड़े अखबारों के ठेके, माध्यम, पूरा विज्ञापन, सारी चीजें तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, कांग्रेस सरकार कहाँ से आ गया? और मुद्दा ये है कि आज संरक्षण कौन दे रहा है, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आज जो परिस्थितियां निर्मित हुई है उनके लिए जिम्मेदार लोग हैं, उनके बारे में जांच होना चाहिए। आज एक अमोद बालिका बेचारी शिकार हो गई, जो शोषण की शिकार हुई, जो फरियादी थी, जिसने शिकायत की, उसकी जान चली गई और जान जाने के बाद में वो आतंकी घटना कर दी गई, घर वालों को दिखाए बगैर, घर लाए बगैर उसको दाह संस्कार कर दिया पुलिस ने, पुलिस के सामने दाह संस्कार हो गया। वाह, यह भारत का पार्टी की सरकार, दस शिवराज सिंह चौहान जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घोषणा करते हैं, कन्या पूजन की बात करते हैं, कन्या विवाह, लाडली लक्ष्मी योजना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और ऐसे मौके आते हैं चुप हो जाते हैं। करिए ना इसकी जाँच, कराइए सीबीआई से जाँच कराइए, दूसरा दूसरा पानी है पानी, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, जितने भी लोग इसमें दोषी हैं, जो लोग सामने सामने हो सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग हो रही है, जेपी धनुपिया जी ने भी फिर कहा कि सीबीआई जांच कराइए इस मामले की। चेतन जी एक बात तो आप मानेंगे कि पुलिस चूक कर गई, जो हाथरस में जो घटना हुई थी वो घटना यहां दोहरा दी गई, पुलिस को क्या जरूरत थी कि अति सतर्कता में जाके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया भदभदा में, उसके माँ बाप को ले जाके गाड़ी में बिठा के वहां ले गए, जबकि वो उनको परिवार को सुपुर्द कर देते, वो अंतिम संस्कार करते, तो आपको नहीं लगता कि पहले इस पे कार्रवाई होना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से जो प्रश्न आपने उठाया है ये वाजिब प्रश्न है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के संज्ञान में मामला आते हैं, उन्होंने एसआईटी का गठन किया है और संबंधित सारे प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जो मेरे मित्र कह रहे थे धनोपिया जी की लाडली लक्ष्मी बिटिया कन्यादान, हम तो उनको देवी के रूप में मानते हैं और सच में हमारे समाज की वे देवियां हैं, लेकिन आपके नेता जरा सज्जन सिंह वर्मा और आइटम और इस तरह की जो बातें करते हैं, इन लोगों से पूछिए कि इनके विचार महिलाओं के बारे में लेकर के क्या है। दिग्विजय सिंह जी के विचार पूछिए कि महिलाओं को टंचमाल कहने वाले लोग, हम इसमें जाना नहीं चाहते, हम इतनी गंदी राजनीति में उतरना भी नहीं चाहते, चूंकि ये विषय ऐसा है जिस पर मेरे मित्र ने इस तरह से टंच करा है, इसलिए उसको पंच में कर रहा हूं। और ना मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं है कि मैं इन लोगों पर आरोप लगाऊं, निश्चित रूप से पुलिस की चूक हुई है, लेकिन चूक हुई है इसीलिए तो आज ये सारी बातें हो रही हैं और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को एसआईटी का गठन करना पड़ा, और जो चूक हुई है वो तो हो चुकी, उसको तो बदला नहीं जा सकता ना। जी चेतन जी, जिस तरीके से लेकिन अब आप कांग्रेस मांग कर रही है सीबीआई जांच की, क्या आप सीबीआई जांच भी करवाएंगे? कांग्रेस के पास और बचा क्या है, हर चीज इनको सीबीआई जांच चाहिए, लेकिन अरे हमको हमारे तो गंभीर है ना चेतन जी। नहीं, इतना भी नहीं है, यही प्रदेश है, इसी प्रदेश में कांग्रेस के लोगों को भी रहना है। अगर इतना अविश्वास हम सारे सिस्टम पर खड़ा करेंगे तो फिर कहाँ कहाँ सीबीआई जांच होगी, बताइए ना। धनुपिया जी हमारे पास वापस से जुड़ गए हैं। धनुपिया जी, चेतन जी का कहना है कि इतना भी गंभीर मामला नहीं है कि सीबीआई की जांच हो। धनुपिया जी चेतन जी जिस तरीके से आप कह रहे हैं इतना गंभीर मामला नहीं है, एक नाबालिग की मौत हो जाती है बालिका संरक्षण गृह में,
अब उसके बाद और भी लड़कियों को भय है जो वहाँ पर है, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मामला गंभीर नहीं है। इतना मैंने मामले को लेकर, आप सुनिए आप मामले से नहीं जुड़े, मैंने इसमें जो लीपा पोती है उसको लेकर के कहा। नहीं तो जांच उसको लेकर के इसलिए कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः ही इस पर संज्ञान लेकर के जब SIT बना दी है, क्या हर चीज की जांच CBI से ही होगी क्या? अरे हमको हमारे तंत्र पर भरोसा रखना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई दिशा निर्देश दिए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमको भरोसा करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इनके लिए काम कर रहे हैं ना। सुनिए ना, पहले भी SIT जांच कर रही थी उस मामले की, फिर ये मौत हो जाने के बाद मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए कलेक्टर ने, फिर ये घटना हो गई कि उनको उसका अंतिम संस्कार कर दिया बिना उसके माँ बाप की राजी खुशी के, तो इसके बाद आप फिर SIT बना दो, सीधे सीधे कार्रवाई क्यों नहीं करती आपकी सरकार के? आपने लापरवाही की है, कौन ले गया उनको, किसके निर्देश पे लेके गए शमशान घाट पे, उसका अंतिम संस्कार करा दिया, उसकी माँ घर पे इंतजार करती रही। तो SIT जांच तो पहले भी कर रही थी, तीन तीन जांच एजेंसियां कर रही है, फिर भी तो नतीजा नहीं आया। आप पहले कार्रवाई करते फिर SIT बनाते। इसमें निश्चित रूप से मैंने कहा ना पुलिस से चूक हुई है और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः ही आकर के कहा है इसमें हम जांच कर रहे हैं, SIT बना दिए, और ऐसा हम नहीं कह रहे कि SIT की जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके सारी बातें चल रही है, प्रशासन में है, जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। SIT की रिपोर्ट आने के बाद तो जो होना है वो तो बड़ी कार्रवाई अलग बात है, लेकिन इस पर कार्रवाई होगी। ये कांग्रेस के जो इनसे पूछिए हनीमनी में इन्होंने कौन सी कार्रवाई कर दी थी, करी थी कोई कार्रवाई? लेकिन हम फिर कह रहे हैं हमारी सरकार में होने के बाद भी अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो हम उसको लीपापोती नहीं करते हैं। हम सरकार को बचाने के लिए नहीं बैठे, हम समाज को बचाने के लिए बैठे, हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की बात करने के लिए बैठे हैं, न कि प्रशासन के उन सारे काले पीले करने वाले लोगों को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं। निश्चित रूप से इसमें जो चूक हुई इस पर कार्रवाई होगी। मंडली कई रसूखदार जिस तरीके से कहा जा रहा है, कई रसूखदार के नाम है, पूरी एक पिशाच मंडली है। सिर्फ प्यारे मियां की गिरफ्तारी से ये पूरा जो है हुआ है, ये कांड थमेगा नहीं, और भी लोग हैं, उनके भी तो नाम सामने आने चाहिए। इतने महीने जांच कहां तक पहुंची, किस दिशा में है जांच? देखिए ये पार्टी से आप प्रश्न मत पूछा करिए, जो प्रश्न है आदरणीय गृह मंत्री जी के हैं, पुलिस के DG के हैं, वो आप भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब थोड़ी ना देगी। तो बनती है ना, जिस तरीके से अभी शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के बाद कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई, सख्त लहजे में CM दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल भी पूछेंगे ही ना आपसे। नहीं मैं ये नहीं कह रहा आप सवाल नहीं पूछिए, लेकिन इसका वाजिब जवाब, इसका सही जवाब तो प्रशासन ही देगा ना, पार्टी थोड़ी ना देगी। हम लोग पार्टी के तरफ से पक्ष रखते हैं, हम किसी सरकार के अधिकारियों के प्रवक्ता नहीं है। तो पार्टी तो मांग कर रही है पार्टी, आप मांग करेंगे कि उन पे दोषी अधिकारी हैं, उनको 24 घंटे में उनको कार्रवाई की जाए, सस्पेंड किया जाए? देखिए हमने आपके सामने निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार किया है ना कि चूक हुई हो, चूक होने पर ही माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः ही संज्ञान लेते हुए आगे आए ना, कार्रवाई के लिए तो लेकर के आए ये सारी बातें, और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए इस पे कार्रवाई हम करेंगे। अन्य प्रकरणों में भी आप देख रहे हैं सारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे दारू सट्टों के मामले हैं, जितने भी अवैध कारनामे इस मध्य प्रदेश की धरती पर लोग करते हैं आज भागे भागे फिर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन पर भी कार्रवाई होगी। प्यारे मियां और प्यारे मियां तरह के अन्य लोग जो इस तरह के अटकंडों में लिप्त हैं उन सब पर प्रशासनिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। जी अब हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज जी बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। फिरोज जी जिस तरीके से BJP का कहना है कि SIT की जांच और CBI की जांच की जरूरत नहीं है इस मामले में, देखिए जो भी है अगर आप त्वरित न्याय बेटियों को और बालिकाओं को देना चाहते हैं तो पुलिस प्रशासन ही इतना मजबूत होना चाहिए कि ये इन सब चीजों की नौबत ही ना आए। दूसरी बात यह है कि जो बालिका गृह में जो उस बिटिया के साथ हुआ कि कैसे जहर खा लिया, कैसे उसकी मौत हो गई, फिर उसके परिजनों को जो है शव नहीं सौंपा गया, सीधे बालिका गृह से ले जाके आपने ना उसको अंतिम संस्कार कर दिया गया, ये सारे बिंदु जो है ये विचारणीय है और सरकार को इन बातों का जवाब देना चाहिए कि आपने क्यों उसकी परिवार को शव नहीं दिया। आज इसको मीडिया ने भी बहुत उठाया है कि आपने उसके परिवार को शव तक नहीं दिया, तो आपके बालिका गृह की हालत ये है कि उसमें बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि इसका मतलब है कि प्रशासन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है मध्य प्रदेश में, सरकार के कंट्रोल से सारी चीजें बाहर निकल गई हैं, इसलिए अब इसमें इन सब चीजों की उम्मीद करना बेमानी है सरकार से,
गृह मंत्री को बाहर आके इस बात का उत्तर देना चाहिए। बालिका गृह जो महिला एवं बाल विकास विभाग का है वो उनको आके या समाज कल्याण विभाग का है उसको जवाब देना चाहिए कि ये अमुक अमुक घटनाएं क्यों हुई और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी चेतन जी, पुलिस प्रशासन आपके कंट्रोल से बाहर। हेलो जी चेतन जी, आपकी आवाज कम आ रही है। चेतन जी पुलिस प्रशासन आपके कंट्रोल से बाहर है, वही मैं बोलना चाह रही थी उस टाइम पे जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है ना कहीं सरकार ऊपर है, सबसे ऊपर है। और सरकार की जिम्मेदारी महिला सुरक्षा की जिस तरीके से बातें कही जाती है, महिला सशक्तिकरण की बातें कही जाती है और फिर इस तरीके के केस हो जाते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के हो चाहे प्रदेश की सुरक्षा को लेकर, निश्चित रूप से सरकार की जवाबदारी जिम्मेदारी है। सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी उन सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। इस तरह की जो भी घटनाएं आई हैं प्रशासनिक रूप से जो भी हम कदम उठा सकते थे विधि सम्मत वो सारे कदम प्रशासन ने उठाए हैं। और ये रही बात, तो इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं जिनमें लोगों ने जानबूझ करके या अज्ञानतावश जो त्रुटियां की है तो उसके परिणाम उनको भुगतने पड़े हैं। इस प्रकरण में भी अगर कोई लिप्त पाया जाएगा तो निश्चित रूप से प्रशासनिक रूप से उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि कोई प्रशासनिक कार्रवाई से बच पाएगा, लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस बात कर रही है कि ऐसा हो जाना चाहिए, सीबीआई जांच हो जाए, अरे भैया हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, बिना प्रोसीजर के हर चीज हो जाती है क्या? सीबीआई जांच क्या तत्काल हो जाती है क्या? और फिर हर चीज को हर बात को आप सीबीआई तक सीबीआई जांच, अरे हमारे पास भी आईपीसी की धाराएं हैं, पुलिस जो चाहे कर सकती है। पुलिस प्रशासन में बैठे हुए वो निष्ठावान तमाम अधिकारी हैं जो कठिन और जटिल मसलों को भी सुलझाने की काबिलियत रखते हैं, हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए, उनको भी अवसर देना चाहिए। निश्चित रूप से जो चूक हुई है उस चूक के परिणाम जो भी आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन सिरे से केवल भारतीय जनता पार्टी केवल मुख्यमंत्री जी को इस तरह से बात करके कि पूरी चूक हमारी है, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी संजीदगी के साथ तत्परता के साथ काम कर रहे हैं और इस मामले में भी करेंगे, और कहीं किसी को हम बख्शने के मूड में नहीं और कोई बख्शा भी नहीं जाएगा। मैं कांग्रेस के नेता फिरोज सिद्दीकी जी को भी आश्वासन देना चाहूंगा कि फिरोज जी जितनी चिंता जी, चेतन जी शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, फिरोज सिद्दीकी जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, साथ ही ब्रजेश जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल जो कांड, ये प्यारे मियां कांड एक बहुत बड़ा कांड, तमाम पूरी पिशाच मंडली इसमें है लेकिन नाम अभी तक सामने नहीं आया है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जाँच किस दिशा में जा रही है। और अब बच्चे की मौत हो जाती है उसके बाद आनन फानन में पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है, बच्चे की माँ घर पर शव का इंतजार करती है, क्यों आखिर इतना जो है लापरवाही बरती गई है, कैसे वो गोलियां, शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे हैं, गोलियां कैसे पहुंची, क्या है सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, बच्चियां पहले से बोल रही थी घर आने का लेकिन उनको नहीं भेजा जाता है। तो बिल्कुल तमाम जो सवाल हैं वो पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं और अब ये आगे की जाँच और किस दिशा में जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि और भी बच्चियाँ हैं वहाँ पर जिनकी सुरक्षा ज़रूरी है। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ, नमस्कार। We'll be right back.